देख लौकत ना अभी का होता है मांगा। 32 स्कूलों में 80 अध्यापकों की नियुक्ति 2017-16 में करके और सन 10 से भुगतान लिया गया ताकि टीईटी से बच जाए। इस तरह से 7 बरस में 113 करोड़ रुपए का सरकारी गबन यहां से लेकर लखनऊ के अधिकारियों ने किया है। दूसरी चीज़ कि जो गांव में मनरेगा के तहत जो पोखरे की खुदाई की गई, 667 गाँव सभाएँ इस ज़िले में हैं। अगर 10 लाख मान लिया जाए एक गाँव में तो 667 लाख रुपया जो है इन लोगों ने भुगतान लिया है, अगर 10 लाख मान लिया जाए। इसी तरह से जो पोखरी पर जो यहाँ विवाद चल रहा था उसमें सब तमाम मकान बना लिए गए और कोई कार्रवाई यहाँ से नहीं हुई। शौचालय निर्माण में भी धांधली की जा रही है। सोलर लाइट के लगाने में जिस सोलर लाइट का दाम 16,000 रुपया है उस सोलर लाइट को 32,000 रुपये में भुगतान किया गया। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ आज ये धरना पर द्वारा धरना प्रदर्शन की जा रही है। हमारा सरकारी धन की लूट के खिलाफ हमारा गांव बचाओ मोर्चा जो है हमेशा ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हम आपके संग, हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लगभग हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 1,17,00,000 रुपया जो है यहाँ पे अम्बेडकर विद्यालय में फर्जी मास्टरों की नियुक्ति करके आगमन किया गया है। इसमें यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और अधिकारी हैं उनके भी भतीजा और किसी की भांजी किसी की बेटी जो इसमें इन्वॉल्व है। जिला अधिकारी प्रकाश बिंदु द्वारा जब जांच कराई गई और साबित हुआ और 17 करोड़ रुपया धांधली के खिलाफ FIR दर्ज कराया तो ऊपर ये सब अपना सोर्स लगाकर उस जांच को बदल कर अब पुनः जो है अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर और धन लूट रहे हैं। क्योंकि अगर इसकी जाँच सही तरीके से हुई तो ये सब अधिकारी जेल जाएंगे। यहाँ का जो समाज कल्याण अधिकारी है उसका जो है रिश्तेदार जो भांजा है और लड़की भी है जो मास्टर है, तमाम यह सब मनरेगा के नाम पर जो शासन द्वारा रोक लगाई गई थी इसमें 2 अधिकारी के ऊपर 69 लाख रुपया का जो है हमारे सचिव बाल गोविंद सिंह द्वारा जो है जांच रिपोर्ट कराई गई तो 69 लाख रुपया घोटाला साबित हुआ। तो उसके बावजूद भी आज भी कार्यरत हैं। हम उनकी मांग कर रहे हैं कि उसको निलंबित करके तत्काल FIR दर्ज कराया जाए। ऐसे अपराधी को क्यों गद्दी पर बैठाया गया है यह हमारा विरोध है। और मुख्तार अंसारी जैसे लोग ठाकुर जी की जमीन कब्जा करते हैं, रैनी में गरीब किसानों की जमीन कब्जा करते हैं, अनुसूचित जात की जमीन कब्जा किए हुए हैं, लगभग 36 मंडा और 1 करोड़ रुपया राजस्व की चोरी किए हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर हम जो है धरना पे आज बैठे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पारदर्शिता की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, हमारा गाँव बचाओ मोर्चा के हम पूरे पदाधिकारी और सदस्य आज उनसे मांग करते हैं कि आप में अगर नैतिकता है तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको जेल भेजकर गांव बचाओ मोर्चा के सम्मान को और कानून को जीवित रखने का काम करेंगे। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।